सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय न्यू वीडियो। और स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन जो है ना, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम, इस सिस्टम में हम लोगों को मतलब इस सिस्टम के अंतर्गत हमें सांस की क्रिया जो होती है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग सांस लेते हैं, कौन कौन से अंग है, इन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। ओके, तो देखिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यहाँ पे सिस्टम लगा है मतलब एक से ज्यादा यहाँ पे अंग इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर हम लोगों के बॉडी में कोई भी सिस्टम अगर आए मतलब कि उसमें एक से ज्यादा ऑर्गन इस्तेमाल हो रहे हैं उसे ही हम लोग कहेंगे सिस्टम। क्लियर? यह एक ऑक्सीकरण क्रिया है। क्यों ऑक्सीकरण क्रिया है? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। मतलब इसमें ऑक्सीजन एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट गैस है हम लोगों के लिए, इसलिए ये एक ऑक्सीकरण क्रिया है। जैसे कि हम लोग ऐसे सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन आता है, ठीक। तो ये क्या है? ऑक्सीकरण क्रिया है। कौन? रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी रेस्पिरेशन। ओके, श्वसन के फलस्वरूप हमें ऊर्जा मिलती है और शरीर में ऊष्मा बनी रहती है। मतलब जब हम लोग ऐसे सांस लेते हैं तो हम लोगों को क्या हुआ, हम लोगों को एनर्जी मिलती है और हम लोगों की बॉडी गर्म रहती है। बॉडी गर्म रहने के दो कारण होते हैं। पहला, ब्लड, ये जो ब्लड होता है, जो आगे ब्लड का ट्रांसपिरेशन होता है उससे होता है, और एक होता है रेस्पिरेशन से, ठीक ना। इन दोनों से हम लोगों की बॉडी जो होती है गर्म रहती है। और जिस दिन अगर कोई इंसान मर जाता है उसके बॉडी में ब्लड का परिसंचरण यानी रक्त का परिसंचरण बंद हो जाता है और उसको ऊष्मा भी नहीं मिल पाती है, जिसके कारण वो क्या हो जाता है, उसका शरीर ठंडा पड़ जाता है, ठीक। इतना समझ गए। और ये कैटाबॉलिक क्रिया है। कैटाबॉलिक क्रिया है मतलब कि कैटाबॉलिक मतलब होता है किसी चीज को तोड़ देना, ठीक ना, तोड़ देना। तो ये क्या है? रेस्पिरेटरी एक कैटाबॉलिक क्रिया है, ठीक। अब हम लोग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में जानते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स मतलब कि कौन कौन से, मतलब कैसे कैसे जो ऑर्गेनिजम्स है उनके अंदर कौन कौन से श्वसन अंग यानी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है। तो देखिए, स्तनधारी मतलब हम लोग जो अपने मैमल्स हो गए, स्तनधारियों का कौन है? लंग्स। पहले जब मैं फर्स्ट क्लास में था, मेरे को लगता था कि यार मैं जब सांस लेता हूँ मेरे को लगता था कि यार नाक है सबसे, मतलब हम लोगों में जो नाक होता है वो होता है श्वसन अंग मतलब रेस्पिरेटरी ऑर्गन। फिर मैंने सोचा यार नाक तो हो नहीं सकता, मगर फिर मैंने अपनी साइंस के किताब में पढ़ा था कि लंग्स होता है। तो देखिए, लंग्स कैसे होता है? क्योंकि जब आप नाक भी बंद कर लेंगे, ऐसे नाक बंद कर लेंगे तब भी आप मुंह से सांस लेते हैं, मुंह और नाक दोनों बंद कर लेंगे फिर भी आप सांस ले लेंगे। क्यों? क्योंकि लंग्स होता है, लंग्स वो क्या करता है, सांस को अपनी तरफ खींचता है, ऑक्सीजन को खींचेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देगा। ये हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे, ठीक, कैसे करता है ये। कीट मतलब कि जो आपके कीड़े मकोड़े आ गए, इंसेक्ट्स में होती है श्वास नली, ट्रैकिया। उन लोगों में लंग्स नहीं होता है। ये जो श्वास नली होती है गले में ना, ट्रैकिया जिसको हम लोग बोलते हैं, वो होती है इंसेक्ट्स में। इन सबको आप ये सब नोट करिएगा। जलीय जीव मतलब जो एनिमल वाटर में रहते हैं, इनमें होता है गिल्स। जैसे मछली उछली देखे होंगे आप लोग, मछली के यहाँ पे गिल्स होता है जिसकी वजह से वो सांस ले पाती है, जो समुद्र में हो गई या फिर पानी में, इसी की वजह से। अगर आप उसका ये निकाल देंगे ना तो वो सांस नहीं ले पाएगी, ठीक, गिल्स होता है। मेंढक में, मेंढक देखिए, मेंढक त्वचा से भी सांस ले जाता है। जब वो जमीन के अंदर रहेगा वो त्वचा से सांस लेगा, ठीक ना। और टेडपोल मतलब मेंढक का बच्चा, टेडपोल किसे कहते हैं? मेंढक के बच्चे को। वो गिल्स से सांस लेता है, ठीक। अभी हम लोग ब्रीदिंग के बारे में पढ़ते हैं। ब्रीदिंग किसे कहते हैं? इसे हम लोग हिंदी में श्वासोच्छ्वास कहते हैं, श्वासोच्छ्वास, ठीक ना। और ये इसको ब्रीदिंग मतलब इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं, इसे क्या कहते हैं, सांस अंदर लेने और बाहर छोड़ने की क्रिया को हम लोग ब्रीदिंग कहते हैं, ठीक ना। मतलब हम लोग ऐसे सांस लिए ऐसे छोड़े, इस हम लोग क्या कहेंगे? ब्रीदिंग कहेंगे, ठीक। मतलब कि सांस अंदर लिए और छोड़ने की क्रिया को कहेंगे ब्रीदिंग। ओके, अभी ब्रीदिंग में दो टाइप की होती है। ब्रीदिंग में जैसा कि हमने पढ़ा, एक होती है इंस्पिरेशन और एक होती है एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन में क्या होता है, ऐसे इन मतलब अंदर होता है, अंदर लेना और सांस अंदर लेना मतलब होता है इंस्पिरेशन, ठीक ना, मतलब सांस अंदर लेना। एक्सपिरेशन मतलब एग्जिट करना, एग्जिट कर देना मतलब बाहर निकाल देना, और सांस को ऐसे बाहर निकाल देने की क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? एक्सपिरेशन। क्लियर? अब देखिए, इंस्पिरेशन में नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है, मतलब हम लोग सांस लेते हैं तो कितना परसेंट होता है? 78% होता है, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन ही हम लोग जब सांस लेते हैं तो होता है। और ऑक्सीजन होता है 21%, O2 ऐसे सांस ले, नाइट्रोजन
78%, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, सबसे कम कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक ना, हमारी बॉडी को कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। ठीक, इसे कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग कम लेते हैं, वैसे भी इसकी अमाउंट एटमॉस्फेयर में कम है। ठीक, अब आते हैं एक्सपीरेशन, मतलब हम लोग जब सांस छोड़ते हैं तो नाइट्रोजन जितना लिए थे, नाइट्रोजन का कोई काम नहीं है तो जितना लिए थे उतना ही, 78%, ऑक्सीजन 17% छोड़ते हैं। ठीक, यहाँ पे कितना 21% छोड़ रहे थे, यहाँ पे 17%, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट, 4%। ठीक ना, 4%, यहाँ पे 21 और 17 के बीच में 4 का गैप है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड में मेकअप हो जाए, आप ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और हम लोग नाइट्रोजन, जस्ट अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे, हम लोग जब ब्रीदिंग करते हैं मतलब सांस लेते हैं, तो सबसे ज्यादा कौन सी गैस हम लोगों के मतलब की बॉडी में जाती है, तो नाइट्रोजन, और सबसे कम कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर, अब इतना हम लोग समझ गए इंस्पिरेशन। अब हम लोग मतलब कि जो श्वसन अंग होते हैं, जैसे जैसे हम लोगों के मतलब उसकी पूरी क्रिया को आगे चलिए समझते हैं। चलिए अब हम समझते हैं श्वसन मार्ग के बारे में। श्वसन मार्ग क्या होता है, मतलब जिस मार्ग के द्वारा सांस जो होती है अंदर जाती है, उसे हम लोग श्वसन मार्ग कहते हैं। ठीक ना, तो चलिए इसको अब हम लोग समझते हैं। देखिए श्वसन मार्ग में पहले आता है नाशा छिद्रा, मतलब ये जो आपकी नाक होती है। ठीक ना, फिर नाशा कटाप, नाशा कटाप मतलब कि यहाँ पे अंदर जो आती है आपकी नाशा कटाप, यहाँ पे जहाँ पे म्यूकस पाया जाता है, पहले नाक आएगी, उसके अंदर ऑक्सीजन जाएगी हम लोगों की, तो नाशा कटाप जाएगी, मतलब वहां पे म्यूकस होता है। देखिए नाशा छिद्रा में जो हम लोगों के नाक में जो हेयर्स होते हैं, मतलब बाल होते हैं, वो क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन हम लोगों की मतलब जो हम लोग सांस ले रहे हैं, उसमें कुछ कुछ छोटे छोटे धूलकण होते हैं जो कि हमारे बॉडी को डैमेज पहुंचा सकते हैं, उन्हीं को जो हम लोगों के जो नाक के बाल होते हैं उनको रोक लेते हैं। फिर ऊपर जाता है नाशा कटाप के पास, नाशा कटाप के पास होते हैं जो जो हम लोगों के जो नाक के बाल होते हैं, कुछ 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 जो धूलकण होते हैं उनको नहीं रोक पाते हैं, जो उन्हें नाशा कटाप जो होता है वो रोक लेता है, ये बहुत ही चिपचिपा पदार्थ होता है। ठीक ना, म्यूकस जिसे कहते हैं, फिर वहां पे रोक लेता है, फिर ऑक्सीजन अंदर जाता है, मतलब जितनी भी गैसेस आपकी नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन हो गए सब अंदर जाती है। फिर आती है फेरनेक्स पे, अंदर जो होता है ना इसे ये फेरनेक्स कहते हैं, यानी इसे हिंदी में ग्रसनी कहते हैं, ग्रसनी के पास जाएगी। फिर यहाँ से देखिए फूड भी जाता है आपका और फैन और आपका ऑक्सीजन भी जाता है। ठीक ना, मतलब कि आपके एयर हो गई, फिर अंदर जाएगा, यहाँ पे आपके आएंगे लैरिंक्स, ये लैरिंक्स होती है, ये वॉइस बॉक्स होती है इसे। ठीक ना, इसे वॉइस बॉक्स कहते हैं, अगर ये बंद हो जाएगी आप बोल नहीं पाएंगे, कोई बोल नहीं पाएगा, तो यहाँ से लैरिंक्स से गुजरते हुए ट्रैकिया में जाती है, यानी इसे आप लोग विंड पाइप भी कह सकते हैं, विंड पाइप, ये यहाँ पे ट्रैकिया जो होती है इसे कहते हैं। ठीक, ब्रोंचाई, ब्रोंचाई होती है, उसके नीचे आते हैं ब्रोंचाई। देखिए अभी आपको सारी फोटो दिखाऊंगा इसकी, मतलब जितने भी हो गए ब्रोंचाई, और देखिए अब आते हैं ब्रोंचाई के बाद ब्रोंचिलियोस होती है, ब्रोंचिलियोस के बाद नीचे आती है एल्वोली, एल्वोली के बाद ब्लड, और ब्लड के बाद सेल। अब देखिए ब्लड और सेल का पूरा हम लोग अंदर अभी समझेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे ये डायग्राम बनाया, मेरे से ऐसा ही बना मेरे। ठीक ना, अब देखिए ये यहाँ पे फेरनेक्स और लैरिंक्स का काम खत्म हुआ, ऑक्सीजन यहाँ पे आई अब ट्रैकिया के पास, ट्रैकिया, और यहाँ पे ये कार्टिलेज होता है, ये आपको जो दिख रहा है इसे हम लोग कार्टिलेज कहते हैं, इसे हम लोग कार्टिलेज कहते हैं। ओके, ट्रैकिया हो गई, और ये बहुत ही मतलब कि उतनी भी पावरफुल, मतलब उतनी भी ये स्ट्रांग नहीं होती है, ये ट्रैकिया को होल्ड करे रखती है। ठीक, ये कार्टिलेज होती है जो सीसी आकार का आपको दिख रहा है। फिर यहाँ पे आती है, तो यहाँ पे दो पार्ट में, ये जो आपका ट्रैकिया हो गया दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक तरफ जाएगा, एक होता है ब्रोंचाई और एक होता है ब्रोंचिलियोस, ये दो पार्ट में दोनों लंग्स में चला जाता है। ठीक, यहाँ से आपके निकलती है, ये ब्रोंचिलियोस होता है, ये जो आपको ये पार्ट दिख रहा है इसे आप लोग ब्रोंचिलियोस कहेंगे, ये पार्ट को। ठीक ना, अब हो गई, और यही सब ब्रोंचाई होती है ये सब। ठीक, अब देखिए इसके बाद ये जो आपको कुछ ये दिख रहा है, ये देखिए ये कुछ ऐसे मतलब कि पेड़ के पत्ते जैसा जो होता है ना, जब आर्ट बनाते हैं तो इसकी तरह दिख रहा है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, एल्वोली। ठीक ना, और उसके बाद इधर आएंगे तो एक अलग से मतलब ये झिल्ली लगी रहती है लंग्स पे, एक अलग से झिल्ली प्रकार की लगी रहती है जिसे प्लूरल मेम्ब्रेन कहती है, क्या कहते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन, आपको ये डायग्राम बनाना होगा। फिर नीचे आते हैं, अगर लंग्स के नीचे आएंगे तो डायफ्राम होता है। अब चलिए पूरा फंक्शन हम लोग इसके अंदर को समझते हैं। जब देखिए एयर जो होता है, एयर आपका अंदर आ जाएगा तो एल्वोली के पास क्या होता है, हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन आ रहता है,
वो ना वेट करता रहता है कि कब ऑक्सीजन आएगा और मैं ऑक्सीजन को, जैसे ऑक्सीजन आता है ये एल्वोली से ले लेता है, एल्वोली से ऑक्सीजन ले लेगा और जाएगा ब्लड जो होता है पूरे शरीर में जहां जहां कोशिका होती है कोशिका के पास जल्दी से पहुंचा देगा, ठीक, कोशिका के पास पहुंचा देगा और सेल में, कोशिका के पास कहां, माइटोकॉन्ड्रिया पे, माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचा देगा। उसके बाद क्या करेगा, वहां से सेल से क्या करेगा, मेरे को कार्बन डाइऑक्साइड दो, जितना भी तुम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड, और सबका कार्बन डाइऑक्साइड बना के हीमोग्लोबिन क्या करेगा, एल्वोली के पास दे देगा, और एल्वोली क्या करेगी, और ये जो डायफ्राम होता है, डायफ्राम क्या करता है, इसे धक्का देता है, धक्का, क्योंकि लंग्स के पास इतनी तो पावर नहीं होती है कि वो ऐसे सांस तो खींच सकता है लंग्स, मगर वापस इतनी पावर नहीं होती है कि वापस जो हो तो एक्सपीरेशन कर पाए, तो डायफ्राम क्या करता है, हेल्प करता है, वो ऊपर से ऐसे धक्का देता है, तो क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन एल्वोली के पास आई थी, अब एल्वोली से यहां से वापस से उधर चल जाती है और हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं, और ये बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है, ठीक ना। अब ये डायफ्राम का समझ गए, अब देखिए इतना हम लोग समझ गए कि कैसे होता है, हीमोग्लोबिन इसमें सबसे ज्यादा मतलब अहम भूमिका निभाता है। अब देखिए हीमोग्लोबिन को ना, हीमोग्लोबिन जो होता है उसको आपको ना ऑक्सीजन से ज्यादा पसंद ना सीओ होता है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, और आपका कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ पे पाया जाएगा, धुआं हुआ ये सब हो गए, तो इसलिए कोई भी इंसान अगर धुएं के पास ज्यादा देर रह जाता है कोई कोई, तो उसे चक्कर आने लगते हैं, जानते क्यों, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है लोगों के लिए बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, इसलिए अगर उसको जल्दी से धुआं वहां से नहीं हटाएंगे ना, वो सांस लेता रहेगा ना, तो खत्म, उसके काम भी खत्म हो सकता है या फिर बेहोश हो सकता है, ठीक ना। इसीलिए ना हमें धुआं के पास ज्यादा पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन के पास नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वहां से क्या निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक ना। अब इतना आप लोग समझ गए, अब देखिए आप ये जो हो गए, जो हम लोग ये पूरी की पूरी आप प्रोसेस समझ चुके हैं, अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा कुछ। आपने कभी सोचा होगा कि जो आपका हिचकी खाना खाते समय, या फिर जब आप कहीं शांत बैठे रहते हैं, कुछ सोच रहे होते हैं, तो आपको कभी कभी अचानक से ना हिचकी आने लगती है, अब खाना खाएंगे पानी पियेंगे तो कभी कभार ना हिचकी आने लगती है, ये ऐसा कैसे होता है, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन तो जरूर आएगा, तो देखिए समझते हैं। देखिए यहाँ पर लैरिंक्स और फैरिंक्स काम खत्म हुआ, तो ये यहाँ पे आपकी आती है, ये ट्रैकिया होती है, जैसा कि मैंने अभी पढ़ाया ट्रैकिया इसे कहते हैं। अब ट्रैकिया के पास यहाँ पे एक इपिग्लोट्स नाम का एक अंग होता है, इपिग्लोट्स अंग, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कैसे, देखिए ये ना हम लोगों का जो एक तरफ होती है फूड पाइप निकली होती है ट्रैकिया से, जो एक फूड पाइप निकली रहती है इधर की तरफ से, और एक एयर पाइप निकली रहती है। एयर पाइप कहाँ जाती है आपकी, एयर पाइप जाती है आपकी लंग्स में, फूड पाइप आपकी जाती है स्टमक में, ठीक। तो देखिए क्या करता है, इपिग्लोट्स होता है वो यहाँ पे ये मतलब इंडिकेटर एक तरीके से, मान लीजिए ये हम लोगों की बॉडी का खाने का इंडिकेटर है। अगर ये देखिए कैसे काम करता है, अगर देखेगा ब्रेन इसको मैसेज करता है, ब्रेन सबसे इसमें इसको इपिग्लोट्स को कंट्रोल करता है, कैसे, ब्रेन इसको मैसेज देता है कि अभी इस जो इंसान है उसने खाना खाया या सांस ली, अगर वो खाना खाया तो वो इपिग्लोट्स को मैसेज कर देता है इंसान ने खाना खाया है, तो ये क्या होता है एयर की तरफ ऐसे झुक जाता है, ये जो होगा आपका एयर की तरफ ऐसे आपका झुक जाएगा, तो यहाँ पे आप खाना कहाँ आएगा, यहाँ पे आपका खाना कहाँ आएगा, तो इसीलिए यहाँ पे आपका ये जो खाना आएगा ऐसे ऐसे ऐसे, अब यहाँ पे एयर है तो यहाँ पे ऐसे चला जाएगा अभी इधर से, मगर जब ये अब देखेगा अब ब्रेन मैसेज भेजेगा इस बार सांस ले रहा है, सांस ले रहा है, तो ये जो इपिग्लोट्स होगा आपका फूड की तरफ मुड़ जाएगा, फूड की तरफ ऐसे टर्न हो जाएगा, तो एयर लंग्स में चली जाएगी। मगर कभी कभी क्या होता है, जब आप खाना खा रहे होते हैं या फिर अगर कहीं शांति से बैठे रहते हैं, कुछ सोच रहे होते हैं, तो ब्रेन और लोगों का ना कुछ सोच रहा होता है, तो अगर आप खाना खाओगे मतलब किसी से बातें कर रहे हो, बातें करते करते आप बातें करोगे तो उससे दिमाग तो आपका उसके सामने लगा रहेगा ना कि हाँ मैं उससे बातें कर रहा हूँ तो मुझे ये बातें करनी है, तो क्या करेगा ब्रेन, अभी ब्रेन का दिमाग कहाँ है, बातें करने में लगा हुआ है, तो वो अभी इपिग्लोट्स को कोई मैसेज नहीं भेजेगा। और मान लीजिए आप खाना खाते खाते बातें कर रहे हैं, खाना खाते खाते बातें करेंगे तो क्या होगा, ब्रेन अभी उससे बातें कर रहा है तो इपिग्लोट्स कहता है भाई ये खाना खा रहा है कि सांस ले रहा है, कुछ बताओगे, मैसेज तो कोई भेजो, मगर नहीं अभी ब्रेन तो बात करने में बिजी है, इसीलिए क्या कहता है इपिग्लोट्स पागल हो जाता है, मतलब पागल की तरह बिहेव करने लगता है, मैं इधर मुड़ू कि इधर मुड़ू, इसलिए अगर कभी कभार मान लीजिए फूड खा रहे हैं तो वो फूड ही की तरफ मुड़ जाएगा, तो आपका खाना किधर, एयर की तरफ, लंग्स की तरफ चला जाएगा, लंग्स की तरफ आपका जाएगा जैसे, तो देखिए जो लंग्स होंगे वो कहेंगे यार ये खाना है, खाना है, इसको भगाओ, डायफ्राम हेल्प मी, ये जो डायफ्राम होता है आपका यहां से
अपने पुश करता है उसे डायफ्राम लंग्स को, जिसके कारण ये जो खाना यहाँ से आया रहता है ट्रैक यहाँ पे जैसे आता है इसे धक्का दे देता है फिर। मगर ये एपिग्लोट्स जो है आपका एपिग्लोट्स आपका तो इधर फूड की तरफ मुड़ा है वापस से इधर आ जाता है ऐसे, मतलब बाउंसिंग होती रहती है, बाउंसिंग खेलिए ना, बाउंसिंग होती रहती है। तो क्या कहता है आपको हिचकी आने लगता है, जब आप पानी पियोगे और वापस से आपका ध्यान सही आएगा कि मेरा सही हो जाए तो ब्रेन सही मैसेज भेजने लगता है, ठीक ना। इसलिए खाना खाते खाते बात नहीं करिएगा, ठीक ना। तो क्या होता है ऐसा ही होता है। अब हिचकी का हम लोग समझ गए। अब देखिए टिडल वॉल्यूम क्या होता है और ये वो कैपेसिटी ओबेसिटी ये सब हम लोग अब लंग्स की कैपेसिटी समझिए। अब हम लोग टिडल वॉल्यूम जानते हैं। टिडल वॉल्यूम मतलब क्या होता है, जो आपके लंग्स होते हैं मतलब लंग्स एक मिनट में मतलब एक बार में कितना ml या फिर लीटर कितना लीटर सांस ले सकता है या फिर ml आप बोल सकते हैं। तो एक बार में 500 ml ले सकता है, मगर जब आप गहरी सांस लोगे तो आपका ml ऑक्सीजन ले सकता है। जब आप गहरी सांस लोगे तो नॉर्मली मैंने ऐसे जब गहरी सांस को लोगे ना तब होगा आपका टिडल वॉल्यूम 500 ml। ठीक, टोटल लंग्स कैपेसिटी मतलब लंग्स की कैपेसिटी कितनी होती है ऑक्सीजन को स्टोर करके रखने की, तो होती है आपकी 6000 ml मतलब 6 लीटर, ठीक ना। और देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर, अगर आप पर्वत पे जाएंगे, अगर माउंट एवरेस्ट हो गया, K2 हो गया, आप किसी भी पर्वत पे जाएंगे या फिर कहीं गहराई में जाएंगे समुद्र में, आपको ऑक्सीजन सिलेंडर दिया जाएगा। ऑक्सीजन सिलेंडर जब आप पर्वत पे जाएंगे तो उस ऑक्सीजन सिलेंडर में क्या क्या होगा, आपको ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भर के दी जाएगी। अभी मैं समझाऊंगा आपको कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन और हीलियम ऑक्सीजन के साथ क्यों देते हैं। फिर समुद्र में आप जाएंगे, अगर समुद्र में जाएंगे आपको ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दी जाएगी ऑक्सीजन सिलेंडर में। फिर आप जो गहरे समुद्र में मतलब 300 मीटर से नीचे जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, ऑक्सीजन और हीलियम आपके ऑक्सीजन सिलेंडर में भर दिया जाएगा। क्यों ऐसा क्यों, अगर देखिए डायरेक्टली हमको ऑक्सीजन दो ना, हमको तो ऑक्सीजन की जरूरत है, ये नाइट्रोजन और हीलियम की क्या जरूरत है। मगर हम लोगों की जो लंग्स होता है, हम लोगों की बॉडी को डायरेक्ट ऑक्सीजन लेने की आदत नहीं होती है, इसलिए ये सब देते हैं, ठीक। तो आज का ये लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए बाय, थैंक यू।